भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ना तुम रमा को भड़काते, ना रमा उनकी बहू को भड़काती, ना उनके ऊपर तेल जाता, ना वो जलते। चीख रहे होंगे वो लोग जब चल रहे थे, उनकी चीखों, उनकी तड़प के जिम्मेदार तुम हो, उनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो भीमराव। मैं कामयाब हो गया सर। क्लास में जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और खड़े रहो भीमराव, तुम्हारी आज की पढ़ाई भी गई। कमाल का कलाकार है नरोत्तम जोशी भी। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, नहीं जले हैं वो। बता रहा था कि अगर वो लोग खुद को आग लगा लेते, अगर मर जाते थे, इसलिए कहां, कब, क्या करना है, इसके बारे में अच्छे से सोचा करो भीमराव। आप जरा अब चुप 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 मूर्ख, तुम्हारे कारण देर हो गई। मैं आई कमिन सर, आओ बैठो। आज तो भीमराव आया नहीं, तो चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। चलो निकालो। मैं कमिन सर। अरे भीमराव आओ। रुको, ये कोई धर्मशाला है? जब मन चाहा तब चले आए, जाओ बाहर जाकर मैदान में खड़े हो जाओ। सर मैं समय पर पहुंच गया था यहां, तो इन्होंने रोका मुझे बाहर, झूठी झूठी कहानियां बताने लगे। अब मेरी इसमें क्या गलती है? लो सुन लो, इसमें भी मेरी गलती है ना। अरे मैं तो चाहता ही हूं कि भीमराव तुम पढ़ाई ना कर सको, ये पूरा कॉलेज जानता है कि तुम्हारी पढ़ाई रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। माना कि मैंने इसे बाहर रोका, तो इसे रोकना चाहिए था। अगर इसे आना था तो इसे समय पर आना था ना कक्षा में। सर बोलिए, खुद की गलती नहीं मानना है इसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नरोत्तम जोशी, ऐसे तो भीमराव इतना बुद्धिमान बनता है, यहां इसकी अकल घास चरने गई थी क्या? अब जाओ बाहर मैदान में जाकर खड़े हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन देर से आने वाले को कक्षा में कोई जगह नहीं, चलो जाओ। तो बच्चों आज पढ़ाई शुरू करें। जी गुरुजी। चलो निकालो किताबें। धीरे ऐसा लगने लगा है मुझे कि सब बस हर हाल में मेरी पढ़ाई ही बाधित करना चाहते हैं। पता नहीं मुझे बाधित करके इन्हें क्या मिलता है, और ये क्यों नहीं समझते हैं कि दूसरों की बाधा बनने वाला व्यक्ति खुद
कहीं नहीं पहुंच पाया है। भीम, तुम्हारी तो क्लास चल रही है, तुम बाहर क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सर आपको, अजीब रिश्ता हो गया है। जब मैं क्लास के अंदर रहता हूं तो गुरुजी पढ़ाते नहीं, और जब उन्हें पढ़ाना होता है तो मुझे क्लास के बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या हुआ है भीम? हुआ ये सर कि रुको, ये कोई धर्मशाला है? जब मन किया तब चले आए, जाओ बाहर जाकर मैदान में खड़े हो जाओ। सर मैं समय पर पहुंच गया था यहाँ तो इन्होंने रोका मुझे बाहर, झूठी झूठी कहानियां बताने लगे। माना कि मैंने इसे बाहर रोका तो इसे रुकना चाहिए, अगर इसे आना था तो इसे समय पर आना था ना कक्षा में। सर देर से आने वाले को कक्षा में कोई जगह नहीं है, चलो जाओ। ऐसे झूठ बोल दिया और सभी विद्यार्थी उनका साथ दे रहे हैं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं बात करता हूं प्रिंसिपल से, आओ मेरे साथ। नहीं नहीं सर, मैं गया था प्रिंसिपल सर के पास, लेकिन उन्हें भी इन सब शिक्षकों की राजनीति के सामने झुकना पड़ा, इसलिए अब यह लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी और मुझे ही जीतनी होगी। अगर आप भी उनके पास जाएंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ ही लेंगे मुझे ना पढ़ाने का, इसलिए अब तरीका मुझे ढूंढना है गुरुजी, जिससे इस कॉलेज के कोई भी शिक्षक ऐसे षड्यंत्र करके मेरे जैसे छात्र को पढ़ाने से मना ना करे। भीमराव, अब परीक्षा आ रही है, अगर ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई रुक गई तो नंबर कम आएंगे। नहीं आएंगे नंबर कम, आप बेफिक्र रहिए सर। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी सरला सुन, तेरे पास कल शाम तक का समय है, कल शाम तक तू घर वापस नहीं आई तो कल ही मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसे कैसे दूसरी शादी आप करवा सकते हैं? वो तू देख लेना, तेरे पास बस कल तक का समय है, तू सोच ले बस। और सरला, अंत में तुझे क्या मिला? सौतन, रमा के जीवन भर तुम्हें यहां रखेगी? नहीं ना, अभी भी समय है, अपने पति के घर चली जाओ। अब तू ही सोच, ऐसी औरत की समाज में क्या इज्जत होगी जिसे पति ने छोड़ दिया हो? अरे पति जैसा भी हो उसी के साथ ही रहना चाहिए। बेटी इनकी बात पे ध्यान मत देना, रामजी भीम और रमा आ जाए ना तो उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें सही सलाह देंगे। क्या सही सलाह देंगे? अरे इनके सलाह से तो सबकी बर्बादी ही हुई है, तुम्हारी भी बर्बादी ही होगी, याद रख लेना।